हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब सरकारी राशन डेपो के आ गए। राशन लेने के लिए कंज्यूमर को ना तो अब कोई लंबी लाइनों में लगना होगा और ना ही अब राशन कम मिलने की शिकायत का कोई भी मौका होगा। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने कंज्यूमर के लिए ग्रीन एटीएम यानी राशन का एटीएम लगाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। गुरुग्राम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रीन एटीएम लगा दिया गया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कहना है कि ग्रीन एटीएम लगने से जो लोग सरकारी दुकानों से राशन लेते हैं उनके समय और कम माप मिलने की शिकायतें दूर हो जाएंगी। उनका कहना है कि इन मशीनों को लगाने का मकसद राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशियरी है। इससे ना केवल कंज्यूमर को फायदा मिलेगा बल्कि सरकारी डेपो पर अनाज घटने की समस्या भी कम हो जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि ये मशीनें ना केवल डिपो संचालकों की राशन बांटने में सहायता करेगी बल्कि डिपो संचालकों का समय भी बचेगा। गुरुग्राम जिले के फारूक नगर में ये प्रोजेक्ट सफल होने के बाद इन अनापूर्ति मशीनों को प्रदेश भर में सरकारी डेपो पर लगाया जाएगा और यहाँ पर मशीनों ने काम करना भी शुरू कर दिया है। ये एक ऑटोमेटेड मशीन है जो कि बैंक एटीएम की तरह ही काम करती है। यूनाइटेड नेशनल के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित की जाने वाली इस मशीन को ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन कहा गया है। इस कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी अंकित सूद का कहना है कि अनाज के माप तोल को लेकर इसमें त्रुटि ना के बराबर है। एक बार में यह मशीन 70 किलोग्राम तक अनाज 5-7 मिनट में निकाल देती है। मशीन में लगी टच स्क्रीन के साथ एक बायोमेट्रिक मशीन भी लगी हुई है जहां पर कंज्यूमर को आधार या राशन कार्ड नंबर डालना होगा। बायोमेट्रिक लगाने के बाद कंज्यूमर को सरकार द्वारा निर्धारित अनाज खुद मशीन के नीचे लगाए गए बैग में भर जाएगा। इस मशीन के माध्यम से 3 तरह के अनाज गेहूँ चावल और बाजरा निकाला जा सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।